मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आर्मी का मैं हो, हाथ में हो, पांव में हो, कहीं भी हो, आप इसकी 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम जीप पर 10-10 मिनट से या 15-15 मिनट से, जब भी मुक्का मार दिया उसी समय, जितनी जल्दी दें उतना अच्छा। तो ये औषध जो है, अरे 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम सीधे जीप पर 10-10 मिनट से, इतना ही अगर आपने दे दिया तो उसका हजारों रुपए बच जाएगा। अभी ये बताते हैं, इनका एक दोस्त है, थोड़ी चोट लग गई, मोटरसाइकिल से 30,000 खर्च हो चुका है अभी तक, और अभी भी डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है, और डॉक्टर कह रहा है कि सिर में चोट है, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और 1 महीना रखना पड़ेगा। और ये औषध जो है ना 24 तास में ठीक कर देते, आपने दिया, देने के ठीक 24 तास के बाद बराबर हो जाता है, कितनी भी गहरी चोट हो। बहुत कम ऐसा होता है कि इस औषध को दूसरी बार देना पड़े, एक दिन दे दिया 10-10 मिनट से, 2-2 थेम उतना ही काफी है। ये औषध उसके बहुत काम की है जिनको मुक्का मार होता है, किसी भी कारण से हो, बच्चों को हो तो ये पानी में डाल के देना है, 1 थेम 1/4 कप पानी में डाल के उसमें से 2-2 चम्मच पानी 3 बार। इस औषध के इतने अच्छे काम है कि जब भी मुक्का मार होता है तो सूज आती है और सूज को तुरंत ठीक करती है। दूसरा, जो सेल्स हैं हमारे, कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं है ना, वैसे ही मांस कोशिकाएं होती हैं, उनमें भयंकर टूट फूट होती है जब मुक्का मार होता है, तो कई कोशिकाएं मर जाती हैं, नई नई बनती वहां पर, जब तक नई नई बनती तब तक सूज नहीं जाती, तो ये तुरंत नई कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती। बहुत अच्छी औषध है, ये औषध सबके पास होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए, क्योंकि ये मुक्का मार अक्सर होती रहती है। फ्रैक्चर भी एक तरह का मुक्का मार ही है ना, उसमें भी, हाँ बिल्कुल, अभी दिया ना उस बच्चे को, आप ये दवा का नाम लिख लो, यही दवा, 1.25 वर्ष हो या 50 वर्ष हो, आप ले लो ये दवा, लिख लो, कल मंगा लेना, कल ही 3 बार ले लेना, परसों से आपका दर्द खत्म हो जाएगा, 10 वर्ष पुराना हो या 50 साल पुराना। प्लास्टर हो गया तो ठीक है, आप ये औषध तो दे ही दो। फ्रैक्चर भी मुक्का मारी है एक तरह का, हड्डी में चोट है, अंदर की चोट है, हाँ तो भी थोड़ा अगर पट्टी ही बांध दिया और ये औषध दे दिया तो चलेगा, ठीक कर देगी। हाँ, हड्डी टूट गया, बाजू में सरक गया, तो उसको हड्डी के साथ जोड़ दो, पट्टी बांध दो और ये औषध दे दो, जुड़ जाएगा, वो अपने आप जोड़ देगा। आप तो हड्डी को हड्डी के नजदीक रख दो और पट्टी बांध दो, हिलना नहीं चाहिए, वो उसी को जोड़ देगा। कितना भी अंतर हो, नजदीक लाओ उस हड्डी को दूसरी हड्डी के, डॉक्टर भी यही करता है, कितना भी बड़ा अंतर है, हड्डी को हड्डी के साथ बिठाता है, प्लास्टर बांध देता है। अरे यार, अगर छोटा मोटा है, उंगली उंगली का, अंगूठे का, तो कोई भी कर लेता है, हाथ पांव का है तो तकलीफ आती है, लेकिन अभ्यास से तो सब सीखा जा सकता है। लोग गांव में ये जोड़ देते हैं, वो क्या एमबीबीएस है? गांव में ये लोग जो हड्डी जोड़ते हैं वो कोई एमबीबीएस थोड़ी है, अभ्यास से सीखे हैं, आप भी सीख सकते हैं। चोट का पुराना जितना भी दर्द है ना, वो दुखता ही है हमेशा, जब तक अंदर से मुक्का मार जो है ना ठीक नहीं हो। इसलिए ये औषध आप हमेशा याद रखिए, कभी भी एक्सीडेंट हुआ, सिर गिर गए, पेड़ से गिर गए, छत से गिर गए, कोई चोट लग गया, पांव मुड़ गया, कुछ भी हुआ, किसी ने टक्कर मार दिया, अंदर की चोट जिसमें खून नहीं निकला, उसकी सबसे अच्छी औषध यही। एक ही संधिवात में ये चलेगा कि बहुत दर्द हो संधिवात में, और उसका शरीर को छुओ तो भी उसको दर्द हो, इतना तेज दर्द हो, तब चलेगा, बाकी किसी में नहीं। ये जो औषध है ना, ये तो एक है ही, इसके साथ मुक्का मार जिनको भी होता है उनको तुरंत चूने की निवड़ी खानी चाहिए। ये औषध तो लिया, इसके साथ चूने की निवड़ी, दही के साथ खाओ, नहीं तो पानी में डाल के खाओ, 1/4 घंटे के बाद छोड़ दो, अगले दिन से चूने की निवड़ी शुरू कर दो खाना। अगर खाली अंदर की चोट है तो ये पर्याप्त है, लेकिन हड्डी टूट गई अगर, तो चूने की निवड़ी शुरू करो, फिर खाना 2 चम्मच चूने की निवड़ी,
आधा कप पानी या आधा कप दही, वो तो कम से कम महीने डेढ़ महीने। हड्डी को जोड़ना है तो हड्डी को जोड़ने के लिए कैल्शियम लगता है, ठीक है।